वसुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर बाबू रामलाल जी, योग मार्तंड कुलकेश्वर भगवान और हम सभी के प्राणदान सत्सु स्वामी देवदयाल जी महाराज जी के श्री श्री जनकमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में तो महाराज जी के श्री मुख से निकले हुए अनमोल वचनों का ही चर्चा होता है। गुरुदेव हर पल बड़े साधारण सरल भाषा में आने वाले भक्तों को उपदेश किया करते थे। उनकी एक एक वाणी अनमोल हुआ करती थी। उन्हीं अनमोल वचनों का संग्रह जो प्रभु जी की कृपा से हुआ, कई पुस्तकें प्रभु जी ने छपवाई, जैसे दिव्य योग वचनामृत, दयाल योग सागर और योग शक्ति संचारक मेरे सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज, दयाल योग कृपांजलि, ये चारों पुस्तकों के अलावा एक भजन की पुस्तक भी महाराज जी ने अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से छपाई, जिसका नाम है योग अमृत वर्षा। तो इन पुस्तकों में महाराज जी के एक एक अनमोल वचन, अनमोल शब्द, शब्दों का संग्रह है और हम उन्हीं शब्दों को सत्संग में दोहराते हैं, उनका व्याख्यान करके कोशिश करते हैं कि हम एक एक शब्दों का जो गहराई अर्थ है वो समझे, और इसी से हमारे जीवन में जीवन का कल्याण होता है। और जितना गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए अनमोल वचनों को हम सुनेंगे, मनन करेंगे, उससे अंतकरण शुद्ध होगा, हमारे व्यवहार में सात्विकता आएगी, हम सदाचारी बनेंगे और हृदय में प्रेम संजोए, हम सबकी निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए अपने जीवन और जन्म को सफल कर पाएंगे। तो आइए आज के प्रवचन में महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं। महाराज जी आज के प्रवचन में मेन तो महाराज जी ने योग अभ्यास के ऊपर जोर दिया है और योग अभ्यास क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया। इसी अतिरिक्त महाराज जी ने जो अहम बात ये बताई कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। महाराज जी फरमाते कि हम बुरे कर्म क्यों करते हैं, क्यों ना बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्मों में सबसे बड़ा आता है वो योग अभ्यास, क्योंकि योग अभ्यास से ही मानव जीवन का कल्याण होता है। योग अभ्यास से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार धुलते हैं, योग अभ्यास से आत्मा में चमक आती है, प्रकाश आता है, योग अभ्यास से हमें आत्मनिर्भर अवस्था की प्राप्ति होती है, योग अभ्यास से बल मिलता है, मन का बल, आत्म बल, योग अभ्यास से हम सारे संसार को मित्र बना सकते हैं, दुश्मन कोई नहीं रह जाता, क्योंकि दुश्मन हम किसको कहते हैं, कोई भी इंसान है जो परमात्मा का अविनाशी अंश है वो कोई भी बुरा नहीं होता। केवल अगर हमारे विचार किसी से कुछ बातों में नहीं मिले तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति बुरा है, बुरा कोई नहीं होता। कबीरा ने कहा, कबीरा बुरा देखन में गयो, बुरा मिलियो ना कोई, चा में खोजो अपने आप मो, मुझसे बुरा ना कोई। इंसान जब अपने आप को खोजता है वो देखता है कि मेरे, अगर वो जान जाए मेरे स्वभाव में या
मेरे अंदर कितनी कमियां है, मुझको इन कमियों को निकालना है, इन कमियों को दूर करना है, तो हमारे अंदर समय नहीं होगा कि हम दूसरों की कमियां देखें। जो इंसान है अपनी कमियों को नहीं देखता है, उसको दूसरों की कमियां नजर आती है। महाराज जी फरमाते थे कि वो व्यक्ति महान निकृष्ट होता है जो अपनी कमियों को ना देखता हुआ दूसरी कमियों को देखता है। मैंने एक दिन पूछा कि महाराज जी अगर कोई इंसान को किसी की कमी नजर आ जाए तो वो कमी क्या बैठता है, वो निकृष्ट क्यों हुआ, कैसे होता है? महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। अब हैरान हो गए सुन के। मैंने पूछा कि महाराज जी कोई व्यक्ति किसी की अगर कुछ भी गलत देखता है वो बोलता है, निकृष्ट कैसे हो? कहते हैं कि जो जिस इंसान के अंदर अहम होगा, जो अपने आप को सुपर समझेगा, अपने आप को बिल्कुल निर्दोष समझेगा, वो उसके अंदर हरेक के अंदर कमी आने की एक उसका स्वभाव बन जाता है, उसको हरेक के अंदर कमी नजर आती है। यानी कि जो अहम से लदा होगा, जो स्वार्थी होगा, जिसको सिर्फ अपने ही गुण नजर आते हैं, अपने अवगुण कुछ भी नजर नहीं आते, उसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि दूसरे कमियों को देखता है, कमियों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो कहते हैं इसका मतलब उसको वो अहंकार से लदा हुआ है। अहंकारी पुरुष तो भगवान को प्रिय नहीं होता, गुरु को प्रिय नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो अंदर से निर्मल होता है, शांत होता है, स्वच्छ होता है, अहम रहित होता है और हर पल गुरु के चरणों में समर्पित होता है, गुरु के आज्ञा के अनुसार जीवन चलाता है, मन वचन कर्म से गुरु का बन के रहता है, वो इंसान अपने अंतकरण को होता चला जाता है, उसको किसी के दोष नजर नहीं आते, वो सबके गुणों को ही देखता है। महाराज ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि तुम किसी के बारे में किसी के अवगुणों को देखते हो तो उसके अवगुण तो धुल जाते हैं, उसके अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब तुमने बिन साबुन पानी के उसके मन के मैल धो दिए और अपने मन में मैल बैठा लिए। कहता है कि कबीरा ने एक और बहुत सुंदर पंक्ति कही, निंदक को कबीरा निंदक को नेड़े रखिए, आंगन कुटिल छवाए, बिन पानी बिन साबुन के पल पल मैल धुलाए। कहते निंदक को अपने आंगन में बैठा के रखो ताकि वो तुम्हारा निंदा करे और बिना पानी बिना साबुन के तुम्हारे मन का मैल धो दे। फिर एक मैंने बहुत सुंदर बात कही कि अगर तुम किसी के गुणों को देखते हो वो गुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए अपनी दृष्टि ऐसे बनाओ कि दूसरों की अच्छाई अच्छाई दी। मानो बुराई उसके विचार ऐसे हैं, जन्मों के कर्म होते हैं, जीव के संस्कार होते हैं, संस्कार के वश कोई कुछ कर्म करता, कोई कुछ कर्म करता, कोई सत्कर्म, कोई राशिक कर्म, कोई तामसिक कर्म करता, उसके अपने स्वभाव है जन्मों के। और जब हम उसे अगर कोई गलत कर्म करता है तो हमें उसको उसकी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको निंदा नहीं करना चाहिए, ना उसको अपमानित करना चाहिए, हमें उल्टा उसको उपदेश करना चाहिए। आप अभ्यास करो, अभ्यास करने से आपके अंदर रास्तिक तामसिक बातें चली जाएंगी, सात्विक बातें आ जाएंगी। हम लोग तो कलयुग के पापी जीव कितने अवगुणों से भरे हुए, कितने जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पाप कर्म अपने जीवन में आ जाते हैं, हमें दुख देते हैं, और हम जैसे अवगुणी गुरुदेव के चरणों में आते हैं और गुरुदेव कैसे हमें पुण्यात्मा बना देते हैं। गुरुदेव हमें हमसे घृणा तो नहीं करते, गुरुदेव हमें धुतकारते तो नहीं है, गुरुदेव हमें अपमानित तो नहीं करते, गुरुदेव हमें क्रिटिसाइज तो नहीं करते, उल्टा हमारे अवगुणों को गुरुदेव प्रसाद देकर, सेवा देकर, उपदेश देकर अपने अवगुण को धोते चले जाते हैं और ऐसी कृपा बरसाते हैं कि हम अपने अपनी अहम को त्याग कर परहित में जीने लगते हैं। जहाँ परहित में परहित की भावना आपके अंदर आती है तो आप किसी की अवगुण देख ही नहीं सकते, परहित की भावना
परहित की भावना कौन देता है? गुरुदेव देते हैं। कैसे देते हैं? सेवा से, साधना से, अभ्यास। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज है। महाराज जी फरमाते थे कि अगर तुम दुश्मनों के ऊपर विजय पाना चाहते हो, अभ्यास करो। अभ्यास ही तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे विरुद्ध शांत कर देगा। मैंने ये अपने जीवन में इस बात को अनुभूत करा, महसूस करा। जिन्होंने भी मेरे जीवन में जरा सा मेरे विरुद्ध चलने की कोशिश करी, मैंने सीधा अपना अभ्यास बढ़ा दिया। उनको कुछ नहीं कहा, तुम अपना कर्म करे जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ। तो मैंने सिर्फ गुरुदेव को यही प्रार्थना करी, गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, उनकी बुद्धि शुद्ध करो, और अपना अभ्यास बढ़ाती चली गई। आज वही जो मेरे विरुद्ध थोड़ा तिल बराबर भी विचार रखते थे, आज बिल्कुल वो वही व्यक्ति बहुत अच्छे दृष्टि के साथ मुझे देखते हैं, आदर मान करते हैं, प्रेम देते हैं, पता चल जाता है। पर गुरु का भगत है, इसी चीज के लिए अपने अंदर डिमांड महसूस ना करे, इसी चीज के प्रति उसके अंदर चाह ना हो। गुरु का भगत वो होता है, चाह नहीं होती, परंतु अपने आप बिना चाहे वो ऐसा प्रेम बरसाते हैं और ऐसी धनात्मक विचार हमें प्रति रखते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है और योग अभ्यास का फल है। अगर हम गुरुदेव के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें दो काम करना होगा, एक अभ्यास और एक निष्काम सेवा। दो बात से गुरुदेव की प्रसन्नता मिलती है, और जिसने गुरुदेव की प्रसन्नता पा लिया तो सारा संसार उसके पास है, सारा संसार उसके हाथ में है, 33 कोटि देवी देवता उसके साथ है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने अपनी ऊंचाई को लेनी है तो किसी को क्रिटिसाइज ना करके, किसी को दुख ना देकर अपने पुण्य कर्म को बढ़ाते जाओ। एक बार की बात है कि राजा अकबर के सभा में सभा चल रही थी, राजा बैठे हुए थे और कोई भी बुद्धिमानी की जो प्रश्न होते थे उसका जवाब के लिए राजा बीरबल को बुलाते थे, कि कोई जवाब नहीं दे पाता था। और बीरबल एकदम बहुत चतुर था, बहुत बुद्धि थी उसके अंदर, भगवत कृपा थी। बीरबल राजा अकबर के हर समस्या का मिनट सेकंड में हल कर देते। इस बात पे प्रजा को बहुत परेशानी हुई, उनको उनके अंदर राजा के प्रति एक गलत विचार आ गए। वो सोचने लगे कि पता नहीं बीरबल ने क्या जादू डाला हुआ है राजा के ऊपर। राजा तो हर वक्त हर समस्या के लिए बीरबल को बुलाते रहते, बुलाओ बीरबल को, बुलाओ बीरबल को। एक बार राजा की ये बात राजा तक पहुंच गई, भाई राजा जी, प्रजा के बीच में ये बात फैल हुई कि आप तो बीरबल की बहुत तारीफ करते हैं, आप हर बात के लिए बीरबल को बहुत महत्व देते हैं, और हमें आप नकारते हैं। अकबर तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने सोचा चलो प्रजा को किसी ढंग से मैंने संतुष्ट करना है। उन्होंने एक सभा बुलाई, उस सभा में सारे प्रजा को बुला लिया, एक बीरबल को नहीं बुलाया। कहते भाई इस सभा में बीरबल नहीं आएंगे। और राजा अकबर ने प्रश्न रखा कि एक लकीर खींचता हूं मैं, और आप लोग इस लकीर को काटे बिना छोटा करना है, लकीर को काटा नहीं है ना मिटाना है, लकीर ऐसी बनी रहेगी परंतु इसको छोटा करना है। सवाल करा, सब परेशान हो गए, तो अकबर को आज क्या हो गया, बड़ा अजीबोगरीब इन्होंने प्रश्न करा, कोई भी जवाब नहीं दे पाए। कई घंटे हो गए सभा में सभा चलते हुए, आखिरकार राजा अकबर ने अपने सेनापति को कहा जाओ बीरबल को बुला के लाओ। बीरबल कूदता हुआ आया, हाँ जा पना, आज्ञा फरमाए, सेवा के लिए क्या सेवा है।
उन्होंने कहा, अकबर ने, बीरबल ये लकीर है ना, इस लकीर को बिना काटे तुमने छोटा करना है। कहते महाराज जो आप क्या क्या है, दास सेवा के लिए हाजिर है। उन्होंने एक चौक, एक वो मांगा, चौक मांगी, चौक, महाराज एक चौक चाहिए मुझे, ले लो चौक। चौक लेकर जो लकीर खींची हुई थी राजा ने, उसको बिना स्पर्श करे उसके साथ एक लकीर लंबी कर दी, लंबी कर दी, पहली वाली लकीर जो लगी हुई थी अपने आप छोटी हो गई। सारे प्रजा जो है ना बहुत शर्मसार हो गए, प्रजा को समझ आ गई कि बीरबल वाकई बहुत चतुर है, इसीलिए राजा अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। ये जो चतुराई मिलती है, महाराज जी फरमाते हैं, ये चतुराई, ये बुद्धि, ये सूक्ष्मता केवल और केवल अभ्यास से मिलती है। महाराज जी फरमाते थे, कहते मेरे गुरुदेव ने जब मुझे नामदान दिया, नामदान देने के बाद मुझे आज्ञा दी कि देव तुमने नित प्रति 3 घंटे ध्यान में बैठना है। महाराज जी तो थे ही गुरु के दीवाने शुरू से ही, और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज जी 3 घंटे नित प्रति ध्यान में बैठते थे। हमें फरमाया महाराज जी ने, सुनिए गुरुदेव की उस आज्ञा का पालन से, यानी कि 3 घंटे ध्यान में बैठने से मेरी रितंभ प्रज्ञा जाग गई। रितंभ प्रज्ञा क्या होती है, एक बुद्धि होती है जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है, जिस बुद्धि को आत्मा स्वयं गाइड करती है। कहते वो बुद्धि मेरी जाग गई, आपके हमारे सबके अंदर वो बुद्धि है, जब हम अभ्यास करेंगे ध्यान में बैठेंगे तो बुद्धि जाग जाती है। गुरु की कृपा से महाराज जी बुद्धि जाग गई, और महाराज जी को हर पल का ज्ञात होता था कि इस समय मेरे गुरुदेव को किस चीज की जरूरत है, मेरे गुरुदेव इसे मुझे क्या आज्ञा करेंगे, और वो आज्ञा को, वो सेवा को किस प्रकार पूर्ण करने में गुरुदेव प्रसन्न होंगे, कैसे किस प्रकार सेवा को संपन्न करना है जिसे गुरुदेव की प्रसन्नता मुझे मिले, सारा कुछ मार्ग का पता होता था। इसको कहते रितंभ प्रज्ञा, 3 घंटे ध्यान में बैठने से महाराज जी की रितंभ प्रज्ञा जाग गई। बहुत महाराज के जीवन में वो जो महाराज जी ने लिखवाई ना, योग शक्ति संचारक मेरे सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी, उस पुस्तक में लिखा हुआ है महाराज जी के बाल्यकाल, गुरु चरणों में कैसे कैसे सेवा करी महाराज जी ने, और कैसे गुरु की आज्ञा में रहे, और किस किस तरह अभ्यास करके और गुरु की हर सेवा में महाराज जी पूर्ण उतरे। अब परसों पढ़े दिन आपको प्रवचन में महाराज जी कहला रहे थे कि विश्व स्तर पर इतना बड़ा सेमिनार हुआ, जो नेहरू जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में आयोजन किया, उसमें इतने विश्व के बड़े बड़े योगी आए, उन्होंने योग का प्रदर्शन करा, महाराज जी फर्स्ट आए। महाराज जी को सिर्फ 15 मिनट टाइम दिया गया, इतनी पावर थी हमारे अंदर, गुरु की कृपा थी। उसमें जब फर्स्ट आए, गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने क्या फरमाया, मेरे बेटे ने दिल्ली को विजय कर लिया, इतना बड़ा आशीर्वाद। तो ये सारी बातों का एक ही आधार है कि योग अभ्यास और निष्काम सेवा। अगर हम गुरुदेव की गुण तो बहुत गाते हैं, गुरुदेव से प्रेम बहुत करते हैं, क्योंकि वो है ही प्रेम के सागर, प्रेम के स्रोत हैं, इतना हम पे दया करते हैं, प्रेम अपने बढ़ता है, कोई भी आपकी जरा सेवा करता है तो आपके दिल में उसके प्रति कितने गुण भी लाते हैं, शुद्ध विचार आते हैं, वो तो हमारे जीवन रक्षक है, प्राणों के रक्षक, उन्हीं से जीवन चलता है, जो ना हमारे अंदर प्रेम आएगा उनके प्रति। परंतु अगर हम गुरुदेव की कृपा पात्र बनना चाहे तो हमें गुरुदेव की दो बातें, दो आज्ञा पालन करना होगा, जितना हो सके निष्काम सेवा, परहित में जीवन और योग अभ्यास। भाई फरमाते हैं कि अगर तुम योग अभ्यास नहीं करते हो
तो जैसे जन्मों के कर्म संस्कार तुम्हें तुम भुगतते हो, तो वो संस्कार कटेंगे नहीं। कहते कि आज अगर तुमने अपने कर्मों के अनुसार इसको दुख दिया, अगले जन्म वो तुम्हें दुख देगा। जैसे एक घटना महाराज जी सुनाते हैं, एक घोड़ी थी, उसके ऊपर एक घुड़सवार था, और वो लड़ाई क्षेत्र में जो सेनापति घोड़ी को लेके गया, लड़ाई मैदान में खड़ा हो गया। जैसे ही उधर से गोली आई दुश्मन की तरफ से, घोड़ी बैठ गई। घोड़ी बैठ गई तो उसके जो सेनापति था उसकी छाती में गोली लगी और ढेर हो गया, उसकी आत्मा निकल गई शरीर से। आत्मा निकल कर वो फिर उसकी आत्मा, वो अच्छा ध्यान भजन वाला था, उसकी आत्मा एक संत के चरणों में पहुंची। उसने कहा, प्रार्थना करी, महाराज एक प्रश्न लेके आया हूं कि मैंने सारा जीवन इस घोड़ी की इतनी सेवा करी कि युद्ध क्षेत्र में ये मुझे विजय बनाएगी, और जब दुश्मन वार कर रहे थे मेरे ऊपर, अगर ये घोड़ी इधर उधर हो जाती या अपने सीने को तान के रखती तो मेरे मेरे छाती में गोली ना लगती। तो इसने ये नीचे बैठ गई इसलिए मेरे छाती में गोली लगी, ऐसा क्यों करा इसने? वो संत बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया सेनापति की आत्मा को, प्रकाश डाला, कहते देखो अपना पिछला जन्म क्या देखता है कि पिछले जन्म में इस सेनापति ने के कारण इस घोड़ी की जान चली गई थी, इस जन्म में वो सेनापति वो घोड़ी जिसकी जान चली गई थी वो इस जन्म में घोड़ी बनी, और जो सेनापति इसने दुश्मनाई लेने के लिए बदला लेने के लिए इस जन्म में घोड़ी बनकर उसका जान लिया, और पिछले जन्म में घोड़ी मनुष्य था, मनुष्य घोड़ी थी। तो ये बाजी बनाते कि ये निद्रा बाजी चलती रहती है। एक बार और एक घटना बाजी बताते थे कि एक बहुत पहुंचा हुआ संत था, उसका कोई शिष्य था, तो उस संत बड़ा दूरदृष्टि था, निष्ठा था, उसको पता चल गया कि भई मेरे शिष्य की ना एक सांप के डसने से मृत्यु होगी। शिष्य को बता दिया, शिष्य कहना कि महाराज जी मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, आपके चरणों में रहने से सांप कैसे काटेगी मेरे को, सांप के डसने से मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो कहते चलो फिर इस गांव से निकलते हैं, बहुत चलते चलते दूर गांव में चले गए, जिस गांव में एक सांपनी थी, गुरु ने देखा कि ये सांपनी जो है ना इस शिष्य को काटेगी, इससे मेरी जीत का मृत्यु हो जाएगी। शिष्य को लेके गुरु दूर पांच छह गांव छोड़ के आगे चले गए, चलते चलते जंगल आ गया, जंगल में गुरु विश्राम में चले गए और शिष्य को बोले कि मैं विश्राम में जाता हूँ और तुम जगे रहना, मेरी पहरेदारी करना, और ऐसे ही करा शिष्य ने, गुरु विश्राम में चले गए, शिष्य पहरेदारी कर रहे हैं, और पहरेदारी कर रहे थे, अर्धरात्रि को वो सांप सर्पनी वहां पहुंच गई, छह पांच गांव पार कर चटे गांव में पहुंच के उसके पैर में डंक मारा, मारते हो तो बेहोश हो गया। गुरु जाके देखे, अरे मेरा शिष्य तो बेहोश हो गया, सर्प ने डंक मार दिया। गुरु ने क्या करा, कट लगाया, कपड़ा बांधा उस जगह जहां काटा था, जहर निकाल दिया, उस शिष्य की बचाव हो गई। शिष्य ने कहा, महाराज मैं आपके चरणों बैठा हूं, आपकी सेवा में हूं, फिर भी उसने मेरे को डंक मार दिया। बेटा
पिछले जन्म में तूने उसको डंक मारा था, तूने उसकी हत्या करी थी, इस जन्म में वो सांप बन के बदला लेने के लिए आई, इतने गांव पार करके तुझे ढूंढने आई, क्योंकि तू मेरी सेवा में है इसलिए तेरे प्राणों की रक्षा हो गई। तो सारी कहानियों का कहने का एक ही मतलब है, इस जन्म में आप किसी को दुख देते हो तो अगले जन्म में वो आपको दुख देता है, ये सिस्टम चलता रहता है। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो, दिल से ऊपर से चलो, किसी की कोई कमी है अपने कभी शाम दाम दंड भेद, ये चाणक्य की चार नीतियां है, दंड भी दे दो, प्यार भी दे दो, दया भी कर दो, समझा भी दो, हर प्रकार से अंतकरण से हरे के प्रति दयालु रखो, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी नरक पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लघट में प्राण, बोल तुलसी जब तक तुम्हारे घट में प्राण है तब तक तुमने दया नहीं छोड़ना। तो इसलिए मन वचन कर्म से कभी किसी को मत दुखाओ, रमाते आप किसी को दुखाओगे तो कल वो भी आपको दुखाएगा, वो नहीं दुखाएगा उधर दुखाएगी। तो कहने का भाव है हम जब मनुष्य के साथ, स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, हम जैसा व्यवहार सास बहू के साथ, बहू सास के साथ जैसा व्यवहार करेंगे ऐसे व्यवहार हमें मिलेगा। जैसे गेंद ना, गेंद को दीवार में जोर से मारते हैं, गेंद उल्टा दीवार से टकरा के हमारे तरफ आता है, उसी प्रकार जो हम शब्द बोलते हैं, कर्म करते हैं, भाव निकालते हैं, सब ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड में जाकर दुगना पावरफुल होकर हमारे असर डालता है। इसलिए कहता है कि जहां संत महापुरुष होते हैं वहां देवी देवता का दिव्य शक्तियों का वास होता है, क्योंकि संत महापुरुष के अंदर से जो ईश्वरीय ताकत निकलती है, ईश्वरीय तरंगे, आस्तिक सात्विक तरंगे निकलती है, वो ब्रह्मांड में जाती है, ब्रह्मांड में भी शक्ति केंद्र है, उन केंद्रों में टकरा कर वो पावरफुल होकर वापिस आपको ही आती है। इसलिए कहते हैं अगर घर में आप सुख शांति आनंद चाहते हो तो भजन करो, सत्संग करो, प्रेम करो, किसी को दुखाओ मत, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी में कमी है, कमी इसलिए है कि उसका स्वभाव है, जन्मों का स्वभाव, एक जन्म का तो नहीं, तो उसके साथ उसके विचारों के साथ उलझो मत, क्लैश मत करो, विचार जब आपस में टकराते हैं ये नेगेटिव पावर ब्रह्मांड में जाके दुगुनी होकर आपके साथ आता है आप ही को आप ही के घर में आता है और आप ही को असर करता है। तभी जिस घर में थोड़ी बहुत कला कलेश होती है बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ जाती है एक दूसरे को मार काटने को तैयार हो जाते हैं, क्लेश उसे क्या होता है, दोनों की शक्ति चली जाती है। कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करने से आपके अंदर शीतलता आएगी, धीरज आएगा, आपके अंदर प्रेम आएगा, दया भाव आएगी, एक बार किसी को कुछ कह भी लिया फिर दया आ जाती है, अरे नहीं चोरी आ, कई बार इंसान सुधारने के लिए कहता है, गुरुदेव भी हमें डांटते थे पर हम चुप, अच्छा महाराज जी आगे से ऐसे नहीं होगा, दयालु भगवान दया कर देते थे, हर एक तो ऐसा नहीं होता, आज के बच्चे को आप डांटो वो बिगड़ जाएगा, रोटी छोड़ देगा, मुंह पटा लेंगे, बात ही नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं है किसी के अंदर। तो इसीलिए ये जो अप्रिय बातें हैं, बर्दाश्त नहीं करना, कला कलेश लड़ाई, ये वहां होता है जहां अभ्यास नहीं है, जहां निष्काम सेवा नहीं है, जहां प्रेम नहीं है,
सेवा करो निष्काम भाव से, भाव के साथ, प्रेम के साथ, वो सेवा का फल है। वो तब होगा जब आप अभ्यास करोगे, अभ्यास दिखा के नहीं, अंतकरण से छुपे छुपाए भोजन और भजन छुपे छुपाए करो, ताकि उसे आपको और प्राप्ति हो। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो है ना संसार में निद्राबाजी चलती है। एक बात और कहते हैं कि किसी के यहाँ लड़कियां ज्यादा हो जाती है, तो महाराज जी फरमाते हैं वो लड़कियां इसलिए होती है, आपने देने होते हैं, उनको दान करना होता है, पिछले जन्म में आपने उनसे लिया होता है, तो इस जन्म में देना होता है, बेटी बनकर वो आपसे ले जाती है, इसमें आपका कुछ नहीं। अरे मेरे हम लोग 7 महीने पिताजी को लोग कहते थे, शर्मा जी आपके तो 7 बेटियां, कहते कोई बात नहीं, पिता टेंशन फ्री रहते थे, असम में एक्सीडेंट थे बिजली के, कहते बेटी आपकी किस्मत की लाई है, अपनी किस्मत की ले जाएगी, मेरा क्या लेगी। तो मैं तो ऐसे ही रह गई, गुरु के जन्म भेंट हो गई, बाकी मेरी 5 बहने खूब अच्छी शादी हो गई, जो छोटी उसकी बहुत अच्छी शादी हुई, अच्छा सेटअप है, पिताजी को पता ही नहीं चला, 4 भाई उनकी भी शादी हो गई। कहते हर एक जीव अपनी किस्मत की लाता है, किस्मत की ले जाता है। तो फिर महाराज जी फरमाते तुम ऐसे कर्म करो कि तुम कर्जा ही ना मानो, थोड़ा कमाओ उससे जितना भी कमाते हो 10वां 20वां हिस्सा गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में, भगवान के कार्य में लगाओ, ताकि तुम्हारी कमाई में बरकत रहे। और कहते सुबह शाम दो रोटी तो खानी है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा पैसा इकट्ठा सामान टमान ये इकट्ठे करने में ना जाया करो, और बिल्कुल इच्छा रहित रहो, कर्म करो निष्काम करो, सात्विक कर्म करो। कहते हैं कि चा मिट्टी चिंता गई, मनवा बेपरवा, जा को कछु ना चाहिए सुई शहनशाह, कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा राजा है, जिसको चाहिए वो मरते दम तभी भिखारी बन के रहता है, हाय मिल जाए हाय मिल जाए हाय मिल जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो रुखा सुखा भगवान दे उसी में संतुष्ट, संतुष्टि एक बहुत उच्च कोटि का वो गुण है। ये गुण कहाँ से आता है, जब आप अभ्यास करोगे और भगवान का भजन में लगाओ। और कहते हैं कि महाराज जी फरमाते आप इतना कुछ आडंबर कर लेते हो, इतना सारा जीवन आपको सामान सुमन कट्ठे कुट्ठे करने में, इसी में कमाई करते हो ढगिया ठोरी के साथ धोखा धड़ी के साथ, तो कहते जाना तो आपके साथ है गज कफन का टुकड़ा, उसके आगे कुछ नहीं जाता, सब बंदा खालियत आता खालिये चला जाता है, पर जीते जी कोई नहीं सोचता इस बात को। कहते दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, इंसान जानकर भी इतना समझ ना पाया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकान पराया, ये मकान पराया है, एक दिन हमने जाना ही जाना है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि आप कहते सारा जीवन जो भजन में ध्यान में भक्ति में गवाता है वो तो हंसते हंसते चोला छोड़ता है, उसको अपना चोला अगला चोला क्योंकि नजर आता है। जैसे हम पुराना कपड़ा आराम से त्याग देते हैं, नए कपड़ा हम बड़े खुशी से पहनते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य योग करता है और ध्यान भजन भक्ति सेवा में जीवन गुजारता है, अंतिम समय में उसको अगला चोला नजर आता है, वो देखते कह रहे मेरा चोला पुराना हो गया जर्जर हो गया, इसको छोड़ता हूँ नया चोला लेता हूँ। तो इसलिए कहता है कि योगी ही केवल हंस हंस के अपना जीवन को अंत करते हैं, अंतिम समय में एक योगी ही आनंद अवस्था में रहता है। योगी मौत से कभी नहीं डरता, क्योंकि योगी के लिए जन्म और मृत्यु केवल शब्द मात्र है। योगी
जन्म किसको कहते हैं? जब एक घट में आत्मा प्रवेश कर जाती है। मृत्यु किसको कहता है योगी? जब उस घट से आत्मा निकल जाती है। आत्मा का आना जन्म, आत्मा का चले जाना मृत्यु, इतनी सी बात है। तो योगी मरने के लिए बड़ा खुशी खुशी से मरता है। वो मरता नहीं है, आप और हम कभी नहीं मरेंगे, सिर्फ हमारा ये शरीर मरेगा, यानी कि शरीर को हम त्याग देंगे। जैसे सांप अपना वो क्या कुछ कर, क्या कहते हैं सर, केचुली, सांप है अपनी केचुली बदलती है ना, बदलता है अपने वो ऊपर का छिलका छोड़ देता है, उसको दुख थोड़ी होता है। योगी हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं। और इसके ऊपर महाराज जी फरमाते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते जग दुनिया के लोग पाप करते हैं, दूसरों को दुखाते हैं, भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, कहते मरते वक्त 100 बिच्छू डंक मारते हैं, उनको काटते हैं, और मरने बड़ा डरते हैं वो। क्यों डरते हैं? उनको पता रहता है सारा जीवन तो मैंने भक्ति करी नहीं, मरने के बाद मुझे कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा मेरी आत्मा को, डरते हैं। और योगी सारा जीवन अच्छे कर्म करा होता है, उसको पता है ये चोला छोड़ने के बाद सीधा भगवान के पास जाऊंगा। योगी मरने से डरता नहीं है, उल्टा ये बंधन वाला शरीर छोड़कर मुक्त हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। महाराज जी ने फरमाया था 1998 रामनवमी पे, कहते हैं रामनवमी के बाद, रामनवमी दिन कहते हैं इस यज्ञ के बाद हमने जगाधरी होते हुए करनाल जाएंगे, करनाल से दिल्ली, दिल्ली के बाद सर्वव्यापी हो जाएंगे। सर्वव्यापी का मतलब महाराज जी सारे ब्रह्म में समा जाएंगे। आज महाराज जी ब्रह्म में समाए हुए, कहीं याद कर लो माई को, किसी क्षण किसी घड़ी सोते उठते जागते बैठते चलते फिरते कहीं याद कर लो, महाराज जी आपके साथ खड़े, क्योंकि वो ब्रह्म के रूप है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि वीरो आपको ज्यादा क्या कहें, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, आचरण करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। कौन है जो इन बातों को नहीं जानता? हर बच्चा बड़ा छोटा सब जानते हैं, इसमें से कईयों के साथ ये बात बीती और कई के साथ बीतने वाली है। तो महाराज जी फरमाते कि हमने 5 धाम बना दिए, कौन कौन से? हरिद्वार, योगाभ्यास आश्रम, दिल्ली, हवाशा मार्ग, मनी माजरा, चंडीगढ़, गन्नावरम, विजयवाड़ा और करनाल दिव्य मंदिर 7 सेक्टर, 5 धाम बना दिए। और कहते ये सभी धाम बहुत रमणीक है, यहाँ आकर आप ध्यान भजन करो, अपने व्यस्त जीवन से दूर रहो, टेलीफोन से दूर रहो, मिलने जुलने वालों से दूर रहो, और 10-15-12 दिन रहकर डट के भजन करो। अब महाराज जी ने ऐसा प्रवचन कहते हुए विजयवाड़ा के ऊपर, गन्नावरम के ऊपर प्रकाश डाला। ये स्थान बहुत ही रमणीक है, महाप्रभु रामलाल जी ईश्वरीय शक्ति के साथ जब प्रकट हुए, उन्होंने एक अलौकिक रचना रची है, ईश्वरीय रचना रची है गन्नावरम में। वहां जाकर अपने इस आपदापी जीवन से बहुत दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार परिवार से दूर हो जाते हैं, टेलीफोन के कनेक्शन, व्यापार, नौकरी सबसे दूर होकर एक बहुत बहुत मुक्त और शांत आनंद से भरपूर जीवन जीते हैं। और इतना रमणीक स्थान वो वहाँ, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, ईश्वरीय विचारों का प्रवाह, ऐसे माहौल में जाकर जब हम अभ्यास करते हैं तो हम पुण्य के आगे बनते हैं, और उस अभ्यास का हमें बहुत ही फल लगता है। वहाँ
भाई फरमाते कि 3 एकड़ में वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ दिल्ली पंजाब हरियाणा मद्रास गुजरात यूपी राजस्थान चंडीगढ़ करनाल सोनीपत पानीपत अम्बाला सहारनपुर गादरी ये अपना बरेली मेरठ बहुत स्थानों से भक्त आते हैं और आकर वहाँ ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करते हैं, ध्यान भजन में अपना जीवन को दिव्य बनाते हैं और कहते वहाँ सुबह से शाम तक केवल और केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम ही चलता रहता है। और जैसे पूरी मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है, सुबह उठो नहा धो के ध्यान में बैठो आरती में जाओ साधना करो फिर थोड़ी सेवा करो फिर पाठ पूजा करो सत्संग करो सुबह का भोजन करो फिर विश्राम करो फिर सत्संग शाम का सत्संग फिर थोड़ा मंदिर की सेवा या टहलो घूमो फिरो फिर रात का भोजन रात का सत्संग फिर विश्राम करो। सत्संग में स्वाध्याय होता है, महाराज जी के प्रवचन का सत्संग होता है, भगत भजन गाते हैं, इस प्रकार एक बहुत ही रूहानियत और आनंद का वातावरण बनता है वृंदावन में। उसी प्रकार महाराज जी ने जो बाकी 4 धामों का जिक्र करा, सभी धामों में ऐसे ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव होता है, ऐसे स्थान पर जाकर हमें ध्यान भजन और योग अभ्यास जरूर करना है। योग ही जीवन है, वियोग मृत्यु है, योग करो, योगियों का दरबार है, ऋषियों की प्रणाली है, सुखों का भंडार है, योग के साधन करने से तन के रोग चले जाते हैं और योग के साधन करने से रोम रोम खिले जाते हैं। योग करो, ये योगी का दरबार है। शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं और आप सभी का बहुत शुक्राना है कि इतने समय इतनी देर आपने बड़ी शांति से इस सत्संग का आनंद लिया और प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त किया। प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, जीवन के हर पल हर घड़ी ऐसे सत्संग मिलता रहे, सेवा मिलती रहे, उनका नाम लेकर हम इस जीवन यात्रा को चलाए, जब अंत घड़ी आए गुरुदेव के दर्शन करें और उनके गोद में बैठकर उनके धाम में चले जाए। भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। सतगुरुदेव ऐसे भेजोगे तो जय हो जय हो जय।